कल्याण के कोल सेवाड़ी परिसर में एक कुएं की सफाई का काम शुरू था, जिसकी सफाई करते हुए एक सफाई कर्मी डूब गया। उसे बचाने के लिए कुएं के बाहर खड़े बाप बेटे कुएं में उतरे, पर वो भी कुएं से बाहर नहीं आ पाए और उसी में ही डूब गए, जिसकी जानकारी बचाव दल और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को मिली। और जब फायर ब्रिगेड के दो कर्मचारी कुएं में उतरे, वो भी इस कुएं में लापता हो गए। फिलहाल ठाणे जिले के कई जगह से कई टीम बुलाकर कुएं में डूबे 5 लोगों की तलाश शुरू कर दी है और 4 घंटे के भीतर 5 लोगों को शव फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने बरामद कर दिया है। वहीं इस कुएं में गैस कहां से लीकेज हो गया और इस पानी में क्या मिला है, इसकी जानकारी के लिए पानी के सैंपल लेकर भेज दिए हैं। आज 5 लोकांचा मृत्यू साफ करताना आणि त्याच्यामध्ये भरपूर अशा गोष्टी मुस्काळीपणा या समोर आलेल्या की कशामुळे या घटना झाल्या, तर अगोदरच पावलं उचलली असतील प्रशासनाने असतील अधिकाऱ्यांनी असतील। आरोग्य लोकप्रतिनिधी आज तिकडचा नगरसेवक जो आवाज कमी त्यांनी प्रशासनाच्या कानावरती या मृत्यू झाली त्याला म्हणून विजिट पण केली होती अधिकाऱ्यांना, पण तरीही प्युअर निग्लिजन्स क्रिमिनल निग्लिजन्स ह्याला आपण बोलू शकतो की अशा गोष्टी झाल्या नाही पाहिजे। छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या आहेत त्या छोट्या छोट्या गोष्टी रिपेअर जर झाल्या वेळोवेळी, तर अशा मोठ्या घटना ज्या आहेत त्या छोट्या घटना घडणार नाही पाहिजे। आणि याच्यामध्ये पूर्ण इन्क्वायरी झाली पाहिजे आणि जे कोण याच्यामध्ये दोषी आढळेल, कुठलाही अधिकारी असेल, प्रशासन असेल, काही असेल, आणि त्याचबरोबर इकडे कंपनी कंपनी वगैरे पाणी जे जातं तळामध्ये म्हणजे असं तोडू शकत नाही, तरीही ते पाणी कंपनीवरती असेल कारवाई किंवा ज्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलेलं या सगळ्या गोष्टींवरती त्यांच्यावरती कठोरशी कारवाई झाली। गुन्हा दाखल करण्यासाठी काय प्रक्रिया करणार का आपली सत्ता आहे? गुन्हा दाखल झाला पाहिजे त्यांच्यावरती सगळ्यांवरती, जे जे दोषी अधिकारी आहेत त्याच्यावरती आम्ही स्वतः गुन्हा दाखल करणार आणि गुन्हा दाखल करायला पोलिसांना सांगणार। खासदार साहेब, डोंबिवलीमध्ये पण अशीच सेम घटना 2 दिवसापूर्वी घडली होती, जे कर्मचारी वर्ग असेल किंवा महापालिका MIDC असेल सर्व प्रशासक आहेत, सेफ्टी नॉर्म कुठे पाळताना दिसत नाहीत, हे पण आज पुढे सिद्ध झाले। डोंबिवलीत पण तेच घडलं होतं, काय सांगायचं आपण? ते सेफ्टी नॉर्मची पाळणं खूप गरजेचं आहे। जेव्हा आपण कुठल्याही रेस्क्यू ऑपरेशनसाठी जातो तर त्या रेस्क्यू ऑपरेशनला जाताना आपल्याकडे इक्विपमेंट्स काय काय आहेत तिथे पहिली परिस्थितीचा पूर्ण चेक करून आपल्याकडे रेस्क्यू ऑपरेशनसाठी उपयोगी जे इक्विपमेंट्स आहेत ते आपल्याकडे काय काय सगळ्या प्रकारे वापर केला पाहिजे, तरच या सगळ्या गोष्टी आपण कंट्रोल करू शकतो। तोही मोठा भाग आहे की त्याच्यामध्ये पूर्ण रेस्क्यू नीट झाला पाहिजे, ज्यांना आपण वाचवायला जातो तेही वाचले पाहिजे, आपलाही जीव अगोदर सिक्युअर केला पाहिजे। यहाँ जो भीमाशंकर मटकर के उसकी एक उसका एक कुआ है, आज वो कुआ की क्लीनिंग के लिए उसने एक आदमी को भेजा था, उसका अभी तक नाम नहीं मिला है, वो क्लीनिंग करने के लिए कुएं में नीचे उतरा तो उसका सफोकेशन से डेथ हो गया। उसको तैरना आता था या नहीं आता था वो मालूम नहीं, लेकिन उसको रेस्क्यू करने के लिए जो 2 ट्रस्टी है गोसावी नाम के, वो ट्रस्टी भी रेस्क्यू करने के लिए गए तो उसका भी उसमें कुएं में उसका डेथ हो गया। जब ये इन्फॉर्मेशन हमने फायर ब्रिगेड के लिए दी, फायर ब्रिगेड को दिया, फायर ब्रिगेड के जो टीम रेस्क्यू करने के लिए आई थी वो रेस्क्यू करते समय वो रेस्क्यू करने के लिए नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद ये लोगों को भी सफोकेशन होने लगा और ये सब ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड के 2 जवान उसका भी उसमें डेथ हुआ है। लोगों का कहना है कि ये कुआ काफी दिन से बंद था, अभी हम कुएं का पानी का भी केमिकल सैंपल ले रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि जो गटर नजदीक से पास होती है उसमें भी कुछ सल्फर का कुछ ये कंटेंट्स है, तो गटर का भी हम सैंपल लेके केमिकल एनालाइजर को भेज के और ये जो 5 डेड बॉडी है उसमें से 4 डेड बॉडी हमने कुएं में से निकाला है और अभी ये सभी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हम भेज रहे हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद जो डॉक्टर का रिपोर्ट आ जाएगा कॉज ऑफ डेथ मृत्यु का कारण, उसके ऊपर हम और जो कुएं का जो पानी है उसका भी केमिकल एनालिसिस कर रहे हैं और प्राइमा फेसिया जो इधर कुछ स्मेल आ रहा है उससे लग रहा है कि कुआ काफी दिन से बंद था, उसमें कुछ गैस जमा हुआ था, लेकिन उसमें अभी हम जो गवर्नमेंट की एक्सपर्ट एजेंसी है उसकी भी हम मदद करेंगे।